हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने, जिसका नाम है कबीर की भक्ति भावना। ये आपके बीए सेकंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही बड़ा आलोचनात्मक प्रश्न आएगा, जिसका नाम है हिंदी की भक्ति भावना। कहने का मतलब यह है कि कबीर दास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो बड़ा प्रश्न बनने वाला है कबीर दास जी की भक्ति भावना को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रसिद्ध संत पुरुष थे। यानी कहने का मतलब ये है कि कबीर ने निर्गुण भक्ति को अपनाया। अब यहाँ पर निर्गुण भक्ति का तात्पर्य क्या है, देखो आप, कि निर्गुण भक्ति का मतलब ये है कि कबीर दास जी ने जो भक्ति परंपरा अपनाई वो निराकार है। यानी कबीर के जो भगवान है वो निराकार है, इनका कोई रूप आकार नहीं है। और उन्हीं भक्ति को ये अपनाकर आगे कहते हैं कि उनकी भक्ति निर्गुण भावना की थी। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत वे ज्ञानाश्री शाखा के संत हैं। अब देखो यहाँ पर बात आती है ज्ञानाश्री शाखा की। अब ज्ञानाश्री का तात्पर्य क्या है कि कबीर दास जी ने जो भक्ति अपनाई वो ज्ञान के माध्यम से भगवान को अर्जित करना चाहते थे, यानी ज्ञान के माध्यम से, इसलिए इनका नाम पड़ा ज्ञानाश्री शाखा। आगे देखिए, निराकार ईश्वर एवं ब्रह्म का ज्ञान, संसार जीव जगत माया परमात्मा का ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति से ही संभव है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर निराकार ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप ब्रह्म के ज्ञान से, संसार जीव जगत आत्मा परमात्मा इन सभी की ज्ञान की जो आध्यात्मिक अनुभूति आपको करनी होगी, और उसी से संभव हो पाएगा। आध्यात्मिक अनुभूति मूर्ति पूजा, डोंग पाखंड, आडंबर जप, माला छाप, तिलक आदि से संभव नहीं है। कहने का मतलब है आप जिस तरह से मूर्ति पूजा करते हो, डोंग पाखंड रचते हो, आडंबर दिखाते हो, माला पहनते हो, चापा तिलक लगाते हो, उससे आपकी भक्ति कभी भी संभव नहीं है। यानी इसको कबीर ने कभी भी सही नहीं माना है। कबीर का मानना है कि ब्रह्मानुभूति निर्मल मन, पवित्र आचरण, माया मोह से दूर रहकर एवं अहंकार के विगलन से संभव है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि कबीर का मानना है कि ब्रह्म की अनुभूति आपको करनी है तो निर्मल मन, आपका मन निर्मल होना चाहिए, पवित्र आचरण होना चाहिए, साथ में मोह माया से आप दूर रहो, साथ में अहंकार का विगलन का मतलब यह है कि अहंकार को दूर करो, अर्थात मन की सच्चे शुद्धता और समर्पण भाव से ही कबीर की दृष्टि में वास्तविक अनुभूति है। आगे देखिए, कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। ये बात वापस रिपीट हो गई है, ब्रह्म की बात हो गई, निर्गुण ब्रह्म की। उन्होंने अपनी वाणी में जिस आराध्य का वर्णन किया है वह भारतीय उपनिषदों की अद्वैतवादी भावना से प्रभावित है। यानी कहने का मतलब ये कबीर पर अद्वैत का प्रभाव है, अद्वैतवाद है जो वैष्णवों से आया था भक्ति काल में, और उसी को लेकर कबीर आगे कहते हैं कि जो कुछ भी कहा वह उनके निजी अनुभव पर आधारित है। यानी कबीर ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस के अनुभव किया था, निजी अनुभव प्राप्त किए, उसी के आधार पर वो कहते हैं कि सच्ची अनुभूति को ही उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। जो उन्होंने अनुभूत किया है या अभिव्यक्त किया है उसको उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया, यानी एक्सप्रेस किया है। कबीर ने निर्गुण भक्ति की उपासना पर बल देते हुए कहा है, क्या कहा है देखो, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पर कि निर्गुण राम जपू रे भाई, अब अविगत की गति लख नहीं जाए। यानी जो निर्गुण राम है उसको आप जपिए बार बार, निर्गुण राम जपू रे भाई, अविगत की गति लख नहीं जाए। उन्होंने इस पर आगे कहा है कि इस जगत में ईश्वर की सत्ता वह अंतिम सत्य है। यानी ईश्वर की जो सत्ता है ना वही अंतिम सत्य है, और हर एक जीवात्मा में बसा हुआ वह हर जगत वासता है उनका कहना है। कहने का मतलब है हर जीव में वो ईश्वर की सत्ता विराजमान है, ईश्वर की सत्ता हर जीव के अंदर मौजूद है। आगे देखो उदाहरण के माध्यम से पेश किया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल 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 ही समान है, यह तथ्य कहो ज्ञानी। कबीर दास जी ने क्या कहा है ज्ञान के रूप में कि जल देखो, एक जल है सागर में, एक कुंभ है घड़ा जो पानी का भरा हुआ, उसमें भी जल है, उसके बाहर भी जल है, लेकिन जैसे वो जो घड़ा है पानी के अंदर डूब जाएगा या फूट जाएगा तो दोनों जो पानी है वो समान हो जाएंगे, यानी एक साथ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है आत्मा है जो परमात्मा के अंदर मिल जाएगी। ब्रह्म की अनुभूति के बारे में उन्होंने कहा है कि सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म की अनुभूति के बारे में कहा है कि भगवान हर जगह व्याप्त है, घट घट के व्यापी है, और उन्होंने उसके लिए सच्चे साधक की आवश्यकता है। यानी जो साधक है वो सच्चा होना बहुत ही जरूरी है, मगर साधक रूपी जीवात्मा पाने के लिए कस्तूरी मृग की तरह जगह जगह भटकती रहती है। अब देखो क्या होता है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखना है। अब देखो जो कस्तूरी होती है वो
हिरण के नाभि में पाई जाती है, लेकिन वो हिरण क्या करता है, उसको वन में ढूंढने का प्रयास करता है। तो उसी तरह भगवान के संदर्भ में भी कवि ने कहा है, कबीर ने कहा है कि राम है वो कट कट के व्यापी है, लेकिन दुनिया उसको देखती नहीं, क्योंकि राम तो अपने घट यानी हर हृदय के व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, लेकिन दुनिया उसको दूर ढूंढती रहती है। कबीर अपने ब्रह्म या ईश्वर के लिए राम आदि को माध्यम बनाते हैं, और उनके लिए राम वास्तव में राम नहीं है, उनके राम की राम ही ब्रह्म और ईश्वर है। कबीर के राम अलग है और तुलसी के राम अलग है। अयोध्या नरेश और दशरथ सूत राम को उन्होंने अपना आराध्य नहीं माना, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये बात आ गई है दशरथ पुत्र राम की, जो अयोध्या के नरेश है वो अलग है, और राम जो कबीर के राम है वो दोनों अलग है। उनका इस विषय में कहना है कि दशरथ सूत त्रिलोक बखाना राम नाम का मरम है अन्ना, यानी जो दशरथ के पुत्र है उसका लोक इस संसार में बखान होता है, बड़ा व्याख्यान होता है, लेकिन राम नाम का जो मरम है वो अभी तक किसी ने नहीं जाना। अब राम नाम का जो मरम है वो ये कबीर का ब्रह्म है, ध्यान रखना, वो राम अलग है। कबीर अपनी भक्ति करते हुए निर्गुण ईश्वर या ब्रह्म के रूप को इंगित करते हुए उन्होंने कहा है कि निराकार निर्गुण निरावलम अदृश्य अनुभूति ही ईश्वर है, यानी भगवान क्या है, निराकार है, निर्गुण है, निरावलम, निरावलम का मतलब है जिसका कोई आधार नहीं है, अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे ईश्वर है, और वह स्वरूप स्वरूपहीन होते हुए भी अनुभूति के द्वारा महसूस किया जा सकता है, यानी उसको अनुभव किया जा सकता है, वह बहुत सूक्ष्म अनुपम है, जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप पोह वास्ते पात्र ऐसा तत्व अनु। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि देखो जिस भगवान के ना तो माथा है, ना तो सिर है, ना ही उसका कोई रूप है, ना ही कोई स्वरूप है, यानी कोई रूप भी नहीं है, रूपवान भी नहीं है और रूपहीन भी नहीं है। पोहुप वास्ते पात्रा, पोहुप का मतलब होता है फूल, वास्ते पात्रा यानी कहने का मतलब जो फूल है उसकी जो वास या सुगंध आ रही है उससे भी सूक्ष्म है, ऐसा तत्व कबीर बता रहे हैं यहाँ पर। कबीर भक्ति के मार्ग को बहुत सूक्ष्म और पतला बताते हैं, और उन्होंने कहा है कि ईश्वर तो राई के 10वें भाग के बराबर, यानी राई का जो 10वां भाग है उसके बराबर ईश्वर, भक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें भाग, यानी भक्ति का जो द्वार है ना बड़ा संकरा है, बड़ा नैरो है, बड़ा पतला है, और राई के 10वें भाग के बराबर है। मन तो मंगल हवे रहिया, अब क्यों क्या पछताए, पछना पछताने से कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए कबीर का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हमारा मन शरीर हृदय और बहिर इंद्रिया यानी पवित्र आचरण से युक्त है तो ही वही सच्ची भक्ति है। यानी सच्ची भक्ति के लिए आपको क्या चाहिए, कि आपका मन शरीर हृदय और इंद्रिया वो पवित्र हो, और उसी में ईश्वर की अनुभूति व उसके दर्शन होंगे, और ईश्वर को बाहर या तीर्थों पर ढूंढना व्यर्थ है। ईश्वर को कहीं आप बार बार ढूंढ रहे हो या तीर्थ पर जा रहे हो तो वो सब आपके लिए निरर्थक है, यानी फालतू की बात है। उनका कहना है कि मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा तामे जानी ज्योति पिछाणी। तो देखो आपका मन है वो तो मथुरा बताया गया, मथुरा जो कृष्ण का जन्म स्थल, और दिल आपका द्वारका जो कृष्ण का राज्य, और आपका जो शरीर है ना उसको वो काशी है, ये जानकर 10वां द्वारा देहुरा यानी 10वां द्वार जो ब्रह्मरंध्र है उसको 10वां द्वार कहा गया है, तामे जाने यानी उसको अगर आप जान जाओगे ना तो सब आपकी बातें सार्थक हो जाएगी, अर्थात इसी शरीर से ईश्वर की पवित्र ज्योति तक पहुंचने का रास्ता है, उसी मार्ग को साधने का प्रयास करना चाहिए। और कबीर की भक्ति भावना में अहम का विगलन और समर्पण का भाव है, यानी यहाँ पर देखो बात आई कि अहम का विगलन, अहम का विगलन क्या है कि अहम का आप त्याग करना और समर्पण दिखाना, किसी के प्रति डेडिकेट होना, और यहाँ भी ईश्वर के समक्ष सेवक के रूप में प्रस्तुत हुए, यानी ईश्वर के सामने एक सेवक के रूप में, एक नौकर के रूप में सामने आते हैं, वे अपने आप को परमात्मा का सच्चा सेवक बताते हुए अपने आप को तुच्छ और छोटा प्राणी मानते हुए उन्हीं के इशारों पर चलते हैं। क्या कहता है कबीर आगे, कह रहे हैं कि कबीर कुत्ता राम का मतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी जित खेचे तित जाओ। तो कबीर ने बताया है कि मैं राम का कुत्ता हूँ, अपने आप को कुत्ता बता दिया, पर मतिया मेरा नाव, नाव का मतलब होता है नाम, मेरा नाम मतिया है, गले राम की जेबड़ी, और मेरे गले में है ना जो राम की जंजीर लगी हुई है, और जित खेचे तित जाओ, जहां पर भी मुझे भगवान खींच रहे वहां मैं जा रहा हूँ। आगे देखिए कि कबीर की भक्तात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रीतम की जिस भाव से प्रतीक्षा करती है वह अपने आप में विशिष्ट व अनुपम है, वह परमात्मा से मिलन एवं उसके दर्शन के लिए व्याकुल है, उसी उसकी उत्सुकता व्याकुलता जब बेसब्री से हो जाती है तो वो पंथी के उसी परमात्मा के बारे में जानना चाहती है। अब देखो कबीर क्या कहता है कि बिरणी ऊबी पंत सिरी
पंथी बुझे धाई, एक शब्द जी कह पीव का कबे मिलन को आई। तो यहाँ पर जो कबीर का जो पक्ष सामने आ रहा है वो है विरणी का रूप आ रहा है। फिर कबीर अब राम जब नहीं मिलते कबीर को तो बड़े विरह व्याकुल हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि अपने रास्ते में वो इंतजार कर रहे राम का, और एक ही शब्द कह रहे, वो गा रहे पीव का यानी अपने प्रीतम का, कि कबरो कबरे मिलों को आई, यानी कब हमसे राम मिलेंगे, उसकी प्रतीक्षा इंतजार करने के पक्ष में। ये उसकी व्याकुलता केवल मिलन के लिए है, दर्शनों के अतिरिक्त उसका और कोई प्रयोजन नहीं। यानी कबीर तो सिर्फ राम के दर्शन करना चाहते हैं, वो इनका अंतिम प्रयोजन भी है। इसीलिए वह यह नहीं पूछती कि प्रिय कुशल है अथवा नहीं, वह तो केवल इतना सा जानना चाहती है कि वे मुझे याद करते हैं या नहीं, यानी राम मुझे याद करते हैं या नहीं। कबीर भक्ति में कामना के घोर विरोधी रहे हैं। देखो इस बात को अच्छे से समझाता हूँ, कामना जो वासना होती है उसके घोर विरोधी है कबीरदा जी। निस्वार्थ भक्ति ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि जब स्वार्थ से युक्त भक्ति शुरू हो जाती है तभी से वह बेकार व निष्फल होने लगती है। जब लगी भक्ति स कामना तभी लगी निष्फल से, जब भक्ति कामना सहित हो जाती है ना, कामना भक्ति में अगर कामना आ जाती है तो आपकी भक्ति निष्फल होने लगती है। आगे देखिए, इसीलिए अंतिम समय तक उस प्रभु की भक्ति करने और नाम जपने का उपदेश देते हैं कभी। अंतिम समय तक भक्ति करने की बात कहते हैं और उस नाम स्मरण पर बल देते हुए कहते हैं कि कबीर निर्भय राम जपी। कबीर कहते हैं कि निर्भय होकर आप राम का जप करिए, और जब लगी दीवे बाती, और जब तक के एक दिए में बत्ती लग जाती है ना, तेल घटिया बाती बुझे सोते का दिन राती, यानी उसी तरह आप लगातार निरंतर बने रहिए। कबीर की भक्ति में शास्त्रीय ज्ञान व पुस्तक की परिचर्चा का कतई महत्व नहीं है। अब कबीर, आपको पता ही है कि भक्ति में शास्त्रीय ज्ञान और पुस्तक के ज्ञान की बात बिल्कुल उसको महत्व नहीं देते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर में अटूट लय ही मुक्ति के लिए प्राप्त है, ज्ञान तो संसार की गुत्थी में उलझा देता है। यानी जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, पुस्तक के ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान, तो आपको संसार में उलझा देगा। भक्त तो इतना ही आवश्यक है कि वह सांसारिक रागों और आसक्तियों से मुक्त होकर सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करे, क्योंकि पोथियों के ज्ञान को प्राप्त कर करके कई पीढ़ियां मर गई और कोई भी पंडित नहीं हुआ। देखो आगे बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है कबीर क्या कहते हैं कि देखो कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी यानी पुस्तक को पढ़ पढ़ पढ़कर कई जो है पंडित लोग मर गए, लेकिन अभी तक इस वो जान नहीं पाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, लेकिन अभी तक कोई पंडित नहीं बना है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन ढाई अक्षर का जो प्रेम शब्द है ना, उसको अगर पढ़ता है ना तो पंडित हो जाता है। तो प्रेम की यहाँ पर महिमा बताई गई, प्रेम शब्द को लेकर प्रेम की यहाँ पर महिमा बताई गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर ने एकमात्र निराकार ईश्वर को सत्य बतलाकर उसी की भक्ति करने का संदेश दिया है, और उसके लिए मन शरीर आचरण पवित्रता साधना की शुद्धता पर बल दिया गया है। उनकी भक्ति भावनाएं कुछ कोटि की साधक साधक की सच्ची सच्ची साधना की तरह परिलक्षित होती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और भी अगर भक्ति के बारे में बात करें तो अलग अलग और भी बिंदु पर आप चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भक्ति की जो कबीर की भक्ति भावना है, अगर इस पर अगर प्रश्न आता है तो आप इस तरह से इसको पूरा एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।